राजधानी दिल्ली, रात के 12 बजे थे। रात का सन्नाटा और अचानक दिल्ली, मुंबई, नागपुर में चारों ओर फोन की घंटियां बज उठी। राजभवन मौन था, संसद मौन था, राष्ट्रपति भवन मौन था। हर कोई कश्मकश में था, शायद कोई बड़ा हादसा हुआ था या किसी बड़े हादसे या आपदा से कम नहीं था। कोई अचानक हमें छोड़कर चला गया हो। उस समय भारतीय संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके जाने से करोड़ों लोग अपने आंसुओं से विलाप कर रहे थे। उनके निधन की सूचना किसी सदमे से कम नहीं थी, मानो कि जैसे धरती फट गई हो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के निधन की वार्ता जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गई थी। पैर रखने को भी जगह नहीं थी मुंबई की सड़कों पर, क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतिम संस्कार भी मुंबई में ही होना था। नागपुर, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, पुणे, बेंगलोर, नासिक और पूरे देश से मुंबई आने वाली ट्रेन और बसों में बैठने को भी जगह नहीं थी। सब जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहते थे और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जनसागर से भर गई। देश में यह पहला प्रसंग था जब बड़े बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चों जैसे छाती पीट पीट कर रो रहे थे। महिलाएं आक्रोश कर रही थी और कह रही थी, मेरे पिता चले गए, अब कौन है हमारा यहाँ। चंदन की चिता पर जब उनको रखा गया तो लाखों दिल जल रहे थे। अरब सागर अपनी लहरों के साथ किनारों पर थपकता और फिर लौट जाता, फिर तपकता, फिर लौट जाता। शायद अंतिम दर्शन के लिए वह भी जोर लगा रहा था। चिता जली और करोड़ों लोगों की आंखें बरसने लगी। चिता जल रही थी अरब सागर के किनारे और देश के हर गांव के किनारे जल रहा था स्मशान। हर शख्स की आंखों में और दिल में भी जो नहीं पहुंच सका था अरब सागर के किनारे, एक तक देख रहा था वह उसकी प्रतिमा या गांव के उस झंडे को जिसमें नीला चक्र लहरा रहा था, या बैठा था भूख प्यास भूलकर अपने समूह के साथ उस जगह जिसे वो बुद्ध विहार कहता था। गांव, शहर में सारे समूह भूखे प्यासे बैठे थे। उनकी चिता की आग ठंडी होने का इंतजार करते हुए सारे ज्ञानपीठ, स्कूल, कॉलेज मरुभूमि जैसे लग रहे थे। युवा युवतियों की कलकलाहट आज मौन थी, जिन्होंने हाथ में कलम थमाई, शिक्षा का महत्व समझाया, जीने का मकसद दिया, राष्ट्र प्रेम की ओतप्रोत भावना जगाई। वह युगंधर, वह प्रज्ञा सूर्य काल के कपाल से ढल गया था। बड़ी अजीब कश्मकश में थी भारत का महान पत्रकार, अर्थशास्त्री, दूरदृष्टा, दृष्टि से ओझल हो जाएगा। सारे मिलों पर ऐसा लग रहा था कि जैसे हड़ताल चल रही हो। सुबह शाम आवाज देकर जगाने वाली चिमनियां भी आज चुपचाप थी। खेतों में हल नहीं चला पाया किसान, क्यों? सारे ऑफिस, सारे कोर्ट, सारी कचेरियां सुनी हो गई, जैसे सुना हो जाता है बेटी के विदा होने के बाद बाप का आंगन। सारे खेती, हर मजदूर, किसान असमंजस में था। ये क्या हुआ? उनके सिर का छत्र छिन गया। वह जो चंदन की चिता पर जल रहा है, उसने ही तो जलाई थी जबरन जोत। मजदूर आंदोलन का वही तो था आधुनिक भारत का मसीहा। सारी मिलों पर होती थी हड़ताले, आंदोलन अपने अधिकारों के लिए। उसकी प्रेरणा भी तो वही था जिसने मजदूरों को अपना स्वतंत्र पक्ष दिया और संविधान में वो सभी बातें जिन्होंने किसानों, खेतिहारों, मजदूरों के जीवन में खुशियां बखेरी थी। इधर नागपुर की दीक्षा भूमि पर मातम पसरा था, लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए। आधुनिक भारत का वह सुपुत्र जिसने भारत में लोकतंत्र का बीजारोपण किया था, वो हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़कर
चला गया था।